आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता। खबरों की शुरुआत करेंगे पटना से। तो आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में पासवान समाज सड़क पर उतरे थे और विधानसभा का घेराव करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने काफिला गांधी मैदान से चलाकर कारगिल चौक तक पहुंचाया था और उसके बाद उन जितने भी लोग थे उन पे जो है वो लाठीचार्ज किया गया है। आपको बता दें कि काफिला जो है वो घेराव करने के लिए रेडी था विधानसभा का। वहीं पे प्रशासन ने जो है वो उन लोगों पर जो है वो लाठी चार्ज कर दिया। आपको बता दें कि राम विशाल पासवान की पुरानी विंग दलित सेन के कार्यकर्ताओं ने दफादार चौकीदार के आश्रितों को बहाली और दफादार चौकीदार के बहालियों के प्रतिक्रिया से पहले की तरह की मांगों को लेकर मंगलवार को सड़क पर उतरे थे। आज वो विधानसभा का घेराव करने के लिए कार्यकर्ता गांधी मैदान के कारगिल चौक से निकले थे तथा साथ ही आपको बता दें कि कोलबर पर पुलिस ने उन्हें रोका। उसके बाद काफी देर तक हंगामा के बाद अंत में पुलिस बल का प्रयोग कर लाठीचार्ज किया गया जिसमें दलित सेना के एक कार्यकर्ता घायल भी हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। आपको बता दें कि राम विलास पासवान की पुरानी विंग दलित सेना कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि दफादर चौकीदार की बहाली में 90% से ज्यादा पासवान समाज के लोग रहते हैं लेकिन अब उसकी बहाली की प्रतिक्रिया जटिल कर दी गई है। उससे समाप्त करने से पहले की तरह बहाली किया जाए तथा साथ ही जो दफादर चौकीदार की जो आश्रित है उनको भी बहाल किया जाए। साथ ही ये कहा गया है कि यह मांग पासवान समाज के लोग काफी पहले से उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मुद्दे को लेकर जाकर मिले थे और आज दलित सेना के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं जिसके बाद उन पर प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया है। आपको बता दें कि पटना में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे पासवान समाज के लोग और उन पर पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज कर दिया है। तो मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।